बिलासपुर में 10 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बुधवार को नगर परिषद बिलासपुर के चुनावों के लिए पोलिंग पार्टियों को रिहर्सल करवाई गई। एसडीएम सदर एवं रिटर्निंग ऑफिसर रामेश्वर दास द्वारा करवाई गई इस रिहर्सल में 11 वार्डों की पोलिंग पार्टियों ने भाग लिया। रिहर्सल के दौरान जहां कोविड-19 की गाइडलाइन को लेकर भी विस्तृत जानकारी दी गई, वहीं ईवीएम के बारे में भी मास्टर ट्रेनरों द्वारा बताया गया। चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर रामेश्वर दास ने बताया कि रिहर्सल के दौरान पोलिंग पार्टियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही कोविड-19 के दौरान कैसे वोटिंग का संचालन करना है इसके बारे में भी बताया गया। नगर परिषद बिलासपुर सदर चुके हैं। आज हमने सभी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स को रिहर्सल करवाई है और जो भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैंडबुक है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन उनको दी गई है और कोविड-19 के दौरान उन्होंने किस तरह से वोटिंग कंडक्ट करवानी है उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देश है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।